नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ MBPSC पेपर 2 की सीरीज का 48 लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टॉपिक 1.8 के बारे में, जिसका मेन टाइटल है अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स। दोस्तों ये इस टॉपिक के ऊपर हमारा 9th ट्यूटोरियल है। इससे पहले मैं 8 लेक्चर इस टॉपिक पे अपलोड कर चुका हूँ और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मेंस का एग्जाम पैटर्न एक बार देख लो। तो इसमें टोटल 6 पेपर होने हैं, जिसमें से पेपर 4 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर 2 जो है, ये जो पेपर 2 रहेगा, ये आपका 300 मार्क्स का और 3 घंटे का पेपर होता है, जिसको भी हम कवर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? और आप लोग निश्चिंत रहें, आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके सारे के सारे पेपर्स को मैं कवर करूंगा, सबके नोट्स प्रोवाइड करूंगा इन इंग्लिश, वो भी प्रॉपर। ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉपी पेस्ट कर दूं, प्रॉपर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। दोस्तों ये आपके पेपर 2 का सिलेबस है। वॉयलेट कलर में जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं वो सारे हमारे कवर हो चुके हैं। इज दैट क्लियर? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और दीज आर दी रिमेनिंग टॉपिक्स विच नीड टू बी कवर्ड बाय एन एस्पायरेंट। प्लीज इस सिलेबस को बार बार देखिए, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। तो ये आपका पूरा पेपर 2 का सिलेबस है। दोस्तों यहां से आप मेरे बारे में ब्रीफ एक पढ़ सकते हैं। मेरा नाम है आलू गुप्ता एंड हियर इट इज अ स्मॉल डिटेल अबाउट मी, तो प्लीज गो थ्रू दिस थिंग। उसके अलावा दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं फॉर शोइंग योर ट्रस्ट एंड फेथ इन मी। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन लेक्चर सीरीज। आप लोग जो आंसर्स देते हैं, अपने रिव्यूज देते हैं, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू टू एवरी वन ऑफ यू। प्लीज आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, आई होप बेस्ट फॉर यू। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर अभी भी आप कोई लेक्चर्स, वीडियोस, मॉक टेस्ट सीरीज को अवेल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सारे पेपर GS1, GS2, GS3, GS4 सभी के नोट्स इन इंग्लिश प्रॉपर PDF फाइल्स में प्रिपेयर कर लिए गए हैं, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर दिए गए हैं। तो जो लोग भी अवेल करना चाहते हैं वो प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नोट्स रहेंगे वो आपकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और जो लोग हार्ड कॉपी लेने में इंटरेस्टेड है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग प्लीज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन चीजों के लिए। इज दैट क्लियर? चारों के नोट्स अवेलेबल हैं अब। तो चलिए, हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में दोस्तों हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले जानेंगे इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर व्हाट इज इंफॉर्मेशन, जिसके ऊपर ऑलरेडी MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, हाउ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रीटेड, ये सारी चीजें बताई थी आपको। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। देन हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में, उसके सेलियंट फीचर्स, उसमें क्या प्रोविजंस है उनके बारे में, क्या इश्यूज रिलेटेड है विद इन रिलेशन टू RTI, जैसे कि कॉलोनियल टाइम का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है, या फिर एविडेंस एक्ट जो है हमारे यहाँ का, वो एक इशू है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस रहती है, तो इन सारी चीजों के बारे में, इश्यूज के बारे में, या और भी ऐसे क्या इश्यूज हैं जो कि RTI एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में बाधा बनते हैं। उसके अलावा चैलेंजेस और सजेशंस की भी बात करेंगे कि इसको और ज्यादा कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। इसके पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में, और उसमें हमने जाना था, उसमें हमने देखा था कैसे नेचुरली फ्लो हो रहा है हमारा ये वाला टॉपिक राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो भाई शुरू करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? आज के टाइम में अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका प्रेजेंट स्टैंडिंग कहाँ पे है, तो एक हमारा ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब समझते हो क्या होता है? फंडामेंटल राइट का मतलब होता है ये आपका एक मौलिक अधिकार है इंडिया में, ठीक है। फंडामेंटल राइट, चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, उसके अलावा किस आर्टिकल में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट से डील करने वाला कौन सा पार्ट है और कौन से आर्टिकल है, याद रखना। फंडामेंटल राइट वाला जो टॉपिक है वो हमारे पेपर के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आपको इनसाइड आउट पता होना चाहिए हर एक चीज। तो फंडामेंटल राइट से डील करने वाले पार्ट और आर्टिकल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19(1)(a), जिसमें बोला गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल कब पाएंगे? जब आपको इंफॉर्मेशन हो, जब आपको नॉलेज हो उसके बारे में। सो दैट इज वाई राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट।
इसके अलावा ये फंडामेंटल राइट तो था, लेकिन इस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, इसको रियल मायने में इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार लेके आई आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, चलो भाई आरटीआई एक्ट के बारे में जान लेते हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हमारे पेपर में, तो इसीलिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, ये एक की लेजिस्लेशन है जो कि हमारे पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था, जो गारंटी करता है किस चीज की, राइट एंड फ्रीडम ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आर गवर्नमेंट डीलिंग्स बोथ एट सेंटर एंड दी स्टेट। मतलब ये एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो हमारे सिटीजन को राइट देता है और फ्रीडम देता है कि वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को अवेल कर सकता है जो कि या तो सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट से के रिलेशन में हो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उसके अलावा और क्या कहता है, ये इसके की फीचर्स हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं ना आप देखते हो कि स्टेट द की फीचर्स ऑफ आरटीआई एक्ट, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अगला की फीचर क्या था भाई आरटीआई एक्ट का, अगला की फीचर ये है कि आरटीआई एक्ट ये बोलता है कि जो सरकार से आपने इंफॉर्मेशन अवेल के लिए रिक्वेस्ट डाली है, उस रिक्वेस्ट को टाइमली रिस्पॉन्स मिले, मतलब उसमें एक टाइम लिमिट भी मेंशन है। इन सब के बारे में बात करेंगे, चिंता नहीं करो। उसके अलावा तो यानी इसमें एक टाइम लिमिट भी मेंशन है, उसके अलावा ये जो आरटीआई एक्ट है वो हमारे सिटीजन्स को एम्पावर करता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को सीक कर सकता है, वो भी कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार से मांग सकता है, सरकार के डॉक्यूमेंट्स जो है उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड फोटोकॉपी ले सकता है। ठीक है, आरटीआई के थ्रू। उसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारे सिटीजन्स को एम्पावर करता है कि टू ऑफिशियली इंस्पेक्ट एनी गवर्नमेंट वर्क एंड और टू टेक सैंपल ऑफ द मटेरियल यूज्ड। जैसे सरकार के थ्रू मनरेगा में बहुत सारे काम किए जाते हैं। मनरेगा क्या है, मनरेगा एक स्कीम है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो मनरेगा के थ्रू जो काम होते हैं, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि उसमें बहुत धांधलेबाजी है, तो आप सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जो काम है उस काम में क्या मटेरियल यूज हुआ है उसकी मुझे सैंपल दो, मुझे चेक करना है, मुझे रिव्यू करना है, तो इसके लिए भी एम्पावर करता है। उसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, इट इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। ठीक है, तो प्लीज याद रखना है ये सारी चीजें। अब हम आगे चलते हैं इसमें, ये जो आरटीआई एक्ट है इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो याद रखना ये जो एक्ट हमारे पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था कब, 15 जून 2005 को, और ये फोर्स में कब आया था, 12 अक्टूबर 2005 को। ये दो डेट बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज ये एमपीपीएससी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो 3 मार्कर्स होते हैं ना, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये डेट से याद रखना, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, इज दैट क्लियर। चलो आगे चलते हैं, एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि ये कहां कहां पे अप्लाई होता है। तो देखिए यहां पे एक लूप होल है, क्या है वो भी बताता हूं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सारे स्टेट और सारी यूनियन टेरिटरीज पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट दी जम्मू एंड कश्मीर विच हैज इट्स ओन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009। पर ये बात कब की है, जब हमारा जम्मू एंड कश्मीर बाइफरकेट नहीं किया गया था, या फिर उसको उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है 370 को, उसको एबोलिश नहीं किया गया था, ये तब की बात है। यानी अब आपने अगर वो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन देखा हो, जब से उन्होंने 370 को एबोलिश किया है, तो उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एक्ट हैं, लॉज हैं, लेजिस्लेशन है, दे आर एप्लीकेबल ऑन जम्मू कश्मीर लाइक एनी अदर स्टेट। तो जम्मू कश्मीर पे भी हमारा जो ये आरटीआई एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा, आप परेशान ना हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल या जिसमें थोड़ा सा भी डाउट होता है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। बट ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, ये पहले की इंफॉर्मेशन है कि आरटीआई एक्ट जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, उनका खुद का लॉ था, लेकिन आफ्टर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अब इसको एप्लीकेबल होना चाहिए वहां पे। उसके अलावा आरटीआई एक्ट के थ्रू हर सिटीजन इंपावर्ड है, हर सिटीजन एलिजिबल है इंफॉर्मेशन सीक्स करने के लिए। आरटीआई में सिर्फ इंडिविजुअल जो होता है वो अलाउ है आरटीआई फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है, और वो सरकार से इंफॉर्मेशन सीक करते हैं, तो सरकार उन्हें मना कर सकती है ये बोल के कि ये उनका राइट नहीं है, मतलब ये सामूहिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है, एक पर्सन का अधिकार है। ग्रुप और कंपनी कैन नॉट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया, तो ये हमने बात की एप्लीकेबिलिटी की। अब बात करते हैं कवर्ड गवर्नमेंट ऑफिसेस, मतलब इसमें आप किन किन गवर्नमेंट ऑफिसेस से इंफॉर्मेशन को सीक कर सकते हो। तो देखिए,
यहां पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या ज्यूडिशरी, यानी सुप्रीम कोर्ट भी आता है इसमें, पार्लियामेंट भी आता है इसके अंदर, इसके अंतर्गत कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिस जैसे कि प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऑफिस, या फिर एमपीज के ऑफिस, एमएलए के ऑफिस, या फिर कैग का ऑफिस, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है ना, तो ये जितने भी ऑफिस हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं और इनसे इनके रिलेशन में आप कोई भी इंफॉर्मेशन को सीख कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या बॉडी जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा बनाई गई हो, जैसे कि कौन सी आप इसको एक्ट के द्वारा बनाई गए हुए कौन से कमीशन हो सकते हैं, तो जैसे कि आपका हो जाता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये सारे क्या किसी एक्ट के थ्रू बनाए गए हैं, तो यहां से भी आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के द्वारा फाइनेंस या सपोर्ट की जाती है, इज दैट क्लियर, तो ये सारे ऑफिसेस कवर्ड है। एप्लीकेबिलिटी देख ली, कवर्ड गवर्नमेंट ऑफिसेस देख लिए, अब बात करते हैं भाई कौन देगा, किससे जाके इंफॉर्मेशन मांगनी है भाई, तो जाओगे आप किसी भी ऑफिसेस में तो वहां पे सरकार ने एक पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को नियुक्त कर रखा है जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, और ये जो आप रिक्वेस्ट दोगे उसके पास 30 दिनों का समय है, उन 30 दिनों के अंदर उसे आपकी रिक्वेस्ट के और रिस्पॉन्ड करना होगा। यहां पे एक और बात याद रखना, एक छोटी सी फी भी चार्ज की जाती है, क्या एक छोटी सी फी चार्ज की जाती है पब्लिक से, सो दैट ये प्रॉपरली काम कर सके, और जो बीपीएल से नीचे वाले लोग हैं यानी जो लो पॉवर्टी लाइन वाले पीपल हैं उनसे कोई भी फीस नहीं मांगी जाती है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है इस फी से, इज दैट क्लियर, तो ये हो गई कौन रिस्पॉन्सिबल है और कैसे प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा याद रखना जो मेन सिटीज या टाउन्स हैं वहां पे असिस्टेंट पीआईओ यानी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन भी नियुक्त किया जाता है पोस्ट ऑफिसेस में, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन का टाइप मतलब किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, तो किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को मांग सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट वर्क को, इंस्पेक्ट कर सकते हो या उससे रिलेटेड सैंपल को इंस्पेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, चाहे बड़ा या छोटा कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे फिर वो राशन कार्ड हो, इलेक्शन आईडी कार्ड हो या कोई भी चीज हो। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें कि भाई क्या टाइम लिमिट रहती है इसमें, तो देखिए अगर आपने कोई भी रिक्वेस्ट डाली है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए तो 30 दिनों के भीतर आपकी एप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अगर आप अपनी रिक्वेस्ट असिस्टेंट पीआईओ जो कि कहां पे होता है मेन सिटीज या टाउन में, तो अगर आपने अपनी रिक्वेस्ट उसको दी है तो उसके पास है 35 दिन आपकी इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो लाइफ और डेथ से रिलेट करती है, मतलब किसी की जान जा सकती है, जान बच सकती है, तो ऐसे केस में ये इंफॉर्मेशन हो जाती है अर्जेंट इंफॉर्मेशन, और ऐसे केस में जो भी पीआईओ होगा उसके पास 48 घंटे होते हैं आपकी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए। यहां से आपको एक बात बताना चाहता हूं, जस्ट 2 मिनट लूंगा। आपने देखा होगा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और एमपीपीएससी में क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, रिपीट होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाता, उनको लगता है उनको सब कुछ आता है उसके बाद भी उनका नहीं हुआ, उसके पीछे पता है कारण क्या है, उसके पीछे कारण ये है कि देखिए आप क्वेश्चंस देखते हैं, आप उनको आपको उनके आंसर भी पता है लेकिन आप उसकी ग्रेविटी नहीं समझते। मान लीजिए 3 मार्कर क्वेश्चन आता है किसी बच्चे से, जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है व्हाट इज द टाइम लिमिट टू रिस्पॉन्ड फॉर द आरटीआई एप्लीकेशन, मैक्सिमम बच्चे उसका आंसर लिखते हैं 30 डेज जो मैंने चेक किए हैं। अब आप यहां पे देख रहे हो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, 30 डेज नॉर्मल पीआईओ, 35 डेज एपीआईओ, 48 आवर्स इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ। जब आप इतना पूरा आंसर लिखेंगे तो आप समझ रहे 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे पूरे, और जो आपके बाद वाला होगा उसको कम मार्क्स मिलेंगे। डू रिमेंबर एमपीपीएससी इज अ कंपेरेटिव एग्जाम, वहां पे सिर्फ आपकी अकेली नॉलेज को जज नहीं किया जाता, आपके साथ हजारों लोगों की इंफॉर्मेशन जज की जाती है, सो डू रिमेंबर दिस। ये इसी तरीके की आंसर राइटिंग आपको सिखाने का पूरा मेरा मकसद है, तो इसीलिए मॉक टेस्ट सीरीज देते रहिए प्रॉपरली और अपने आंसर्स इवेल्युएट करवाते रहिए। दिस इज द डिफरेंस कि जहां पे आपको लगता है कि आप कैपेबल हो लेकिन यहां पे जो एक टीचर है उसका रोल प्ले होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन की, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है, अगर माने आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन सीखी तो इस इन्फॉर्मेशन को नहीं रिवील किया जाएगा, कब, अंडर दी कॉलोनियल या सॉरी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, और आपको यह बोला जाएगा कि क्या कहते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री सिक्योरिटी दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिवील्ड, नो इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ऑफिस एंड सेक्शन डीलिंग विद द सिक्योरिटी ऑफ नेशन विच विल इनडेंजर द नेशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी टू पर्सनल, उनको रिवील नहीं किया जाएगा। हाउएवर एनी इश्यूज रिलेटिंग टू द माल फंक्शन और करप्शन इन द डिपार्टमेंट आर एक्सक्लूडेड एंड कैन बी सॉर्ट, अगर मान लीजिए जो एक्सक्लूडेड डिपार्टमेंट्स हैं अगर उनमें कोई माल फंक्शन या करप्शन वाली बात है तो ऐसे केसेस में आप इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हो, इज दैट क्लियर।
अब अपील, मान लो आपने भाई पीआईयू के पास गए, एप्लीकेशन दायर की, रिक्वेस्ट मांगी, मान लो उसने मना कर दिया, अब आप ऐसे में किसके पास जाओगे, किससे क्या बोलोगे? तो इसके लिए प्रोविजन है, अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई है। मान लो आपकी पहली अपील को रिप्लाई नहीं किया गया है तो सेकेंड अपील की भी प्रॉपर्टी या मतलब तरीका है, यानी एक तरीके से कैसे ये क्या हो गया, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो मैंने आपको बहुत पहले इससे पहले 2 लेक्चर पहले पढ़ाया था। अब एक्शंस ऑन डिले ऑफ इंफॉर्मेशन, मान लीजिए ऐसा, अगर मान लीजिए ये जो अपील मैकेनिज्म है उससे ये तो साबित हो गया कि आपको इंफॉर्मेशन देने में देरी की गई है, तो इसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा? ₹250 पर डे की पेनल्टी लगाई जाएगी उस ऑफिसर के ऊपर, जो भी मतलब जो पीआईओ ऑफिसर होगा उसके ऊपर ₹250 पर दिन की पेनल्टी होगी, या और ये जो पेनल्टी है मैक्सिमम कितनी लगाई जा सकती है, 25,000 तक, फॉर प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और फॉर डिनाइल ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी उसे सस्पेंड किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं ऑफिस से निकाला जा सकता है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और कब होगा? जब उसका एक्सप्लेनेशन जस्टिफाइड नहीं होगा। तो ये है एक्शन ऑन द डिले ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं वर्ड लिमिट की। तो देखिए, जब आरटीआई एक्ट इनेक्ट हुआ था, जब फोर्स में आया था, तब तो कोई वर्ड लिमिट नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट अब ऐसा सोच रही है कि वर्ड लिमिट की पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी जाए और पर एप्लीकेशन पे 500 शब्द की वर्ड लिमिट रहेगी। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हो गया। तो इस तरीके से हमने आरटीआई के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और उनसे मिलते जुलते जो भी प्रोविजंस हैं वो बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस, आरटीआई एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आरटीआई जो एक्ट है वो हेल्प करता है सिटीजन को अपने फंडामेंटल राइट को एक्सेस करने के लिए। ये तो देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा सेल्फ जो इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट या उसके सेल्फ से रिलेटेड, उस इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर सकता है। वो जो करप्ट फंक्शनिंग्स हैं गवर्नमेंट की या ऑफिशियल्स की, उसको फाइंड आउट करने में मदद कर सकता है। वो गवर्नमेंट जिस तरीके से बिजनेस कर रही है उसको फेयर मैनर में कर रही है या नहीं कर रही है उसको चेक कर सकता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के दिमाग में फियर क्रिएट करता है ये, कि भाई अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया तो ये हो सकता है, अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहे तो ये हो सकता है, अगर उन्होंने क्या कहते हैं कोई भी धांधलेबाजी की, माल फंक्शनिंग की, तो उनके ऊपर आरटीआई लगा के कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है और उनको चैलेंज कर सकता है। और आरटीआई के थ्रू गवर्नमेंट स्कैंडल्स को भाल लाया जा सकता है, जो गुड एक्ट हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है। उसके अलावा इंडिया से जो गवर्नमेंट है, सॉरी इंडिया में जो करप्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारे फायदे हैं आरटीआई के। अब आरटीआई को इंप्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस हैं? तो सबसे बड़ा चैलेंज है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वजह से क्या होता है कि जो कॉमन सिटीजन है वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में बस थोड़ा सा जान लीजिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो कॉलोनियल एरा का एक एक्ट है, जिसके थ्रू ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था वो मेनली किस बात से डील करता था? हमारी नेशनल सिक्योरिटी से। और ये ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि अगर मान लीजिए एस्पाइनेज, यानी जो आपने देखा होगा ना कि जो इंफॉर्मेशन सीक करते हैं स्पाइस वगैरह होते हैं, सिडिशन या और भी कोई असॉल्ट होता है हमारी यूनिटी या इंटीग्रिटी पे, तो उससे डील करने के लिए एक्ट को इनेक्ट किया गया था। ये कॉलोनियल क्लाइमेट का एक्ट था, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमन पब्लिक के बीच में एक मिसट्रस्ट था और जहां पे ऑफिशियल को प्राइमेसी दी जाती थी। इससे कल्चर ऑफ सीक्रेसी प्रमोट होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो उस टाइम का नॉर्म था और जो डिस्क्लोजर है वो एक्सेप्शन थी, पर आज तक ये लॉ चला आ रहा है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में दिक्कत होती है। उसके अलावा और क्या चैलेंज है? जो सिविल सर्विसेज के कंडक्ट रूल्स हैं वो भी प्रोहिबिट करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो ये दूसरा एक और प्रॉब्लम। तीसरा, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन 123 है, वो भी प्रोहिबिट करता है किसी भी ऐसे एविडेंस को कोर्ट में प्रोवाइड करना है या प्रोड्यूस करने से कि जो कि अनपब्लिश डॉक्यूमेंट है। मतलब अगर मान लीजिए कोई सरकार का ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिश नहीं किया गया है, अब अगर वो पब्लिश नहीं किया गया है, ऐसे डॉक्यूमेंट को आप एविडेंस बना के अगर कोर्ट में प्रस्तुत करते हो तो आपको सजा मिल जाएगी उल्टा, क्योंकि वो सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं रिलीज किया है। तो ये भी एक काम करता है, मतलब ये जो एक नॉर्म है, दिस नॉर्म ऑल्सो एक्ट अगेंस्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन। पर उसके अलावा नीडलेस टू से इवन द इंस्ट्रक्शन, उसके अलावा कुछ और एडिशनल चीजें कि जो इंस्ट्रक्शन इश्यूड किए जाते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर सिक्योरिटी पर्पस एंड ऑफिशियल प्रोसीजर डिस्प्लेस दिस टेंडेंसी ऑफ होल्डिंग बैक इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए सरकार ने कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड रहेगी, कौन सी इंफॉर्मेशन अनक्लासिफाइड। क्लासिफाइड का मतलब एकदम छुपा के रखा जाएगा, अनक्लासिफाइड का मतलब जिसको डिस्क्लोज किया जाएगा। तो जो ये नॉर्म्स है ना, अगर आप इन नॉर्म्स को पढ़ते हो तो भी आपको ऐसा समझ में आएगा सरकार किसी इंफॉर्मेशन प्रोसीजर डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही है, ऐसी टेंडेंसी आपको समझ में आएगी, कॉन्फिडेंशियलिटी को सरकार प्रमोट कर रही है।
तो ये भी एक और दिक्कत है राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए. और क्या चैलेंज है भाई राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए? जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, वो डिमांड क्या करती है? आपको पता होगा कि जो हमारे लिए कैबिनेट होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अब अगर वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है तो अब यार देखिए उनके बीच में डिबेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब अगर वो डिबेट करेंगे तो ऐसे में उन्हें फ्री रहना है पब्लिक प्रेशर से, पुल्स से, तो इसीलिए वो अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं. तो ये भी एक राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है. उसके अलावा जो सेक्शन 8 है RTI एक्ट का, वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रमोट करता है हमारे जो RTI एक्ट है. तो ये सारे चैलेंजेस हैं या ये सारे ऑब्स्टेकल्स है टू दी RTI एक्ट. गॉट इट? बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन. RTI एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने क्या प्रोविजनिंग की है? तो देखिए ये एक ऐसा पोर्शन है जिसके ऊपर ना अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा गया है और अभी आने वाले टाइम में भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया है सो दैट आपको ऐसा लगे आपका कुछ भी छूटा नहीं है. तो इंप्लीमेंटेशन के लिए देखिए सरकार ने इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स या अपीलेट अथॉरिटीज. इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड कीपिंग के सरकार ने बहुत सारे नॉर्म्स डिस्क्लोज कर रखे हैं, जैसे कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे सेक्शंस बना रखे हैं इस एक्ट में कि सुओ मोतु डिक्लेरेशन. सो मोतु डिक्लेरेशन का मतलब वो क्या होता है कि बाय बाय चॉइस वो लोग इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे. कौन लोग डिस्क्लोज करेंगे? जितने भी डिपार्टमेंट हैं या जितने भी ऑफिशियल्स हैं. पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, मॉडर्नाइजिंग रिकॉर्ड कीपिंग. तो ये सरकार ने ऐसा इसलिए कर रखा है सो दैट इंफॉर्मेशन को जल्दी से डिस्क्लोज किया जा सके. उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन, सरकार ने इस चीज पे भी ध्यान दिया. मतलब ये भी इस जो हमारा RTI एक्ट है उसमें ऐसे प्रोविजंस हैं कि किस तरीके से जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए सो दैट वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें. और जो कॉमन पब्लिक है उनमें अवेयरनेस जनरेशन की सरकार ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है कि उन्हें ये पता चले कि ये उनका हक है कि वो सरकार से किसी भी इंफॉर्मेशन को मांग सकते हैं. तो जैसे सरकार बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है अपने ऑफिशियल्स के लिए सो दैट ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा सके. अब जो माइंडसेट था पहले हमारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज का, उनके माइंडसेट में क्या था? सीक्रेसी नॉर्म है. उनके दिमाग में क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म है. उनके दिमाग में क्या था कि भाई जो इंफॉर्मेशन है हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे. कॉमन पब्लिक का क्या कॉमन पब्लिक जो है वो इस लायक ही नहीं है. तो इस जो माइंडसेट था इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत थी कि जो वो इंफॉर्मेशन को रिवील करने के लिए जो रिलेक्टेंट रहते थे उसमें रेडिकल चेंज लाने की जरूरत थी. और इसमें आगे ऐसा बोला जाता है कि जो कमीशन है, कमीशन का खुद का ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं या जो PIOs हैं वो इंफॉर्मेशन को रिवील करने वाली या जो RTI एक्ट है उसकी जो प्रोविजंस है उनके बारे में उनको खुद ही नहीं पता है कि भाई अगर कोई ने इन्फॉर्मेशन मांगी है तो कितने दिन में देनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है. तो इसके बारे में PIOs को ही नहीं पता था. तो इसीलिए जैसे जैसे इसी तर्ज पे जैसे अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस में एक अवेयरनेस गाइड होती है जो कि पब्लिक अथॉरिटीज को असिस्ट करती है और जहां पे उनको एडवाइस करती है कि उन्हें कैसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है. तो उसी तर्ज पे जो CIC है यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या इंफॉर्मेशन कमीशन, वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं. अवेयरनेस जनरेशन की बात करें तो ये है कॉमन पब्लिक के लिए जहां पे सरकार कैंपेन चलाती है सो दैट पब्लिक को बताया जा सके कि ये उनका एंटाइटलमेंट है, ये उनका राइट है और क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो RTI के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. सरकार प्रिंट मीडिया में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देती है. तो ये हो गया हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस जनरेशन. उसके अलावा अगली प्रोसीजर क्या है? क्रिएशन ऑफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म. की जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में क्रिएशन ऑफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में क्या है कि सरकार किस तरीके से मॉनिटर करेगी कि जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से डिस्क्लोज की जा रही है या नहीं की जा रही है. एन अप्रोप्रिएट प्रोविजन कुड बी मेड अंडर सेक्शन 30 बाय वे ऑफ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज. समझ रहे हो? तो ये वाली बात है. यहां पे इतना अगर आपने समझ में आ गया दैट इज मोर देन इनफ. अब यहां पे ये आपको देखो 5 प्रोविजन दिए. पहला क्या है कि जो CIC और SIC है उनको काम दिया गया है कि वो मॉनिटरिंग करेंगे इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन की. दूसरी, पब्लिक अथॉरिटीज बनाई जाएंगी रीजनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहां पे एक नोडल ऑफिसर होगा जिसका मेनली यही काम होगा, मॉनिटरिंग का काम होगा. और ये कौन नियुक्त करेगा? CIC या SIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. उसके अलावा हर एक पब्लिक अथॉरिटी जो है वो कंप्लाई करेगी जो भी प्रोविजन है इस एक्ट के. नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी सेटअप की जाएगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर.
जो कि ये जो आपका नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म का काम करेगी, किस चीज के लिए, फॉर दी डेसिमेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड दी बेस्ट प्रैक्टिसेस, मॉनिटरिंग दी क्रिएशन एंड फंक्शनिंग ऑफ नेशनल पोर्टल, रिव्यूइंग दी रूल्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कैरी आउट इम्पैक्ट इवैल्यूएशन एंड परफॉर्म सच अदर रेलेवेंट फंक्शंस। तो ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम रहेगा। तो इस तरीके से सरकार इस इंप्लीमेंटेशन जो आरटीआई एक्ट का है इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करती है। कैसे? सबसे पहला इंस्टीट्यूशन, दूसरा रिकॉर्ड कीपिंग, तीसरा आपका मैंने बताया था कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन, और चौथा है आपका अभी जो मैंने बताया था क्रिएशन ऑफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। अब बात करते हैं जो इंप्लीमेंटेशन के मैंने तरीका बताया, अब उस तरीके में क्या इश्यूज आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, इनको हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो इंप्लीमेंटेशन इश्यूज हैं उनको हम जस्ट ऊपर से देख लेते हैं। जैसे एक्सेस फैसिलिटेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत है, मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस वगैरह करनी है ना उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की, एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट, अगर मान लीजिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो उसके लिए भाई पता है वो लोग क्या मांगते हैं, वो कहीं पे तो कैश ले लेते हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पर वो मांगते हैं डिमांड ड्राफ्ट, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कंबरसम प्रोसेस है। बाय डिफिकल्टी इन फाइलिंग एप्लीकेशन बाय पोस्ट, अगर मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी है, मान लीजिए न्यू दिल्ली में बैठती है, वहां से इंफॉर्मेशन लेनी है तो वहां पे आप पोस्ट के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन मांगोगे तो उसमें भी डिफिकल्टी आती है। वेरिंग एंड ऑफ द हायर रेट्स ऑफ एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फी क्या होता है वो देखिए, वैसे तो क्या बताया है जो एप्लीकेशन फी है वो नॉमिनल होती है, लेकिन इसमें और प्रोविजन है कि 2 रुपए पर पेज या 3 रुपए पर पेज, तो इससे क्या होता है जो पूरी ओवरऑल फीस हो जाती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। लार्ज नंबर ऑफ पीआईओस, एक ही डिपार्टमेंट में भाई चार चार पांच पांच पीआईओस होते हैं तो वो बोलते हैं आप इनके पास जाओ इनके पास जाओ, इसकी वजह से भी इंफॉर्मेशन लेने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब सजेशंस में क्या बोला जाता है, सजेशंस में ये बोला जाता है कि जो पेमेंट के रूल्स हैं उनको बदलने की जरूरत है, या एप्लीकेशन फीस है उसके लिए एक सेंट्रल रूल बनाने की जरूरत है सो अक्रॉस द डिपार्टमेंट वो सेम रहे। उसके अलावा अगर मान लीजिए जो फीस के लिए सरकार ने डिमांड ड्राफ्ट का तरीका रखा है या कैश को अलाउ नहीं कर रखा है तो उसके लिए सरकार स्टैंप इशू कर सकती है। पोस्ट ऑफिसेस में भी सरकार ऐसा कुछ तरीका बना सकती है जहां पे आप इन्फॉर्मेशन को अवेल कर सको और फीस को जमा करवा सको, जो जो आप इन्फॉर्मेशन बाय पोस्ट मांगते हो ना। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जो है वो नोडल डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है और उनको आइडेंटिफाई कर सकती है सो दैट वो कंप्लीट लिस्ट बताएं कि कौन कौन सी जो बॉडीज हैं वो पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर काम करती हैं। एग्जॉस्टिव लिस्ट प्रोड्यूस करें, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी लाइन एजेंसी है, कौन सी स्टेचुरेटरी बॉडी है, कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। उसके अलावा अप टू डेट लिस्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, डिटेल्स ऑफ ऑल पब्लिक अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू इट एट द इमीडिएटली नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो ये सारे काम करने की जरूरत है। दीज आर दी सजेशंस बाय विच द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट कैन बी इनहेंस्ड। कंक्लूजन में क्या बोला जाता है, जो आरटीआई एक्ट है वो एक रेडिकल शिफ्ट लाने की कोशिश कर रहा है हमारे गवर्नेंस कल्चर में और वो इंपैक्ट करता है हमारी सारी एजेंसीज को। अगर इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होता है तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि जो कल्चर ऑफ सीक्रेसी है वो शिफ्ट हो जाएगा टू द न्यू कल्चर ऑफ ओपननेस, जो पर्सोनलाइज्ड डेस्पोटिज्म है वो चेंज हो जाएगी अकाउंटेबिलिटी में, और यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग है वो चेंज हो जाएगा पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस में। इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट डिपेंड्स लार्जली ऑन किस किस चीज पे, इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं, जो ट्रेडिशन या प्रैक्टिस होते हैं, अटेंडेंट चेंजेस इन लॉज एंड प्रोसीजर एंड एडिक्वेट पार्टिसिपेशन से। सो इट इज दिस इज सेड इन द कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं इस पोर्शन पे आए हुए क्वेश्चन अब से लेके पिछले 5 सालों में। ये जो मैं अब आपको क्वेश्चन बताऊंगा, देखिए सबसे पहला काम है जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके इस लेक्चर को रिव्यू करें। आप बताएं ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इस लेक्चर को या आने वाले लेक्चरों को कैसे उनकी क्वालिटी को एनरिच किया जा सकता है, तो प्लीज आप ये भी बताएं। आप जो भी क्वेश्चन इसके दौरान पूछे गए आप उन क्वेश्चंस के आंसर दें। ये 3-4 काम आपके हैं, प्लीज रिव्यू जरूर करें लेक्चर को, उससे मुझे पता चलता है कि लेक्चर में और क्या एनहेंस या क्या हटाना या जोड़ना है। ये अब क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना और इवेल्युएट करवाना है, या तो अपने साथ वाले दोस्तों से या अपने टीचर से, या आप मुझसे भी इवेल्युएट करवा सकते हैं ईमेल आईडी पे भेज के। तो क्या है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्लियरली एक्सप्लेन इन शॉर्ट द सेलियंट फीचर्स ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। ये 2015 में पूछा गया था, 100 शब्दों का 6 मार्क्स का क्वेश्चन। लिख लोगे यूटिलिटी ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 6 मार्क्स 100 वर्ड्स, राइट अ नोट ऑन मिस यूज ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन 6 मार्क्स 100 वर्ड्स, वॉट इज इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन, हैज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 बीन एबल टू कंट्रोल करप्शन, आंसर बाई गिविंग रीजन्स। अब आप इन सारे चीजों के आप आंसर्स बता सकते हैं, राइट?
ये सारे क्वेश्चंस के थोड़े कहीं कहीं पे आपको अपना दिमाग लगाना होगा, पर सबके आप आंसर्स बता सकते हैं. सो प्लीज डू प्रैक्टिस. नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे राइट टू सर्विस के बारे में. अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर. दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर सो पेशेंटली एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. अगर आपको कहीं पे आज के लेक्चर के संदर्भ में या पूरे सिलेबस के संदर्भ में कहीं पे क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करके मुझसे अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं. अपने रिव्यूज देना ना भूलें, जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं. आप अपने रिव्यूज बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपकी लर्निंग को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. आप अपने जो फीडबैक है वो लाइक डिसलाइक करके या कमेंट करके दे सकते हैं. उसके अलावा अगर आप कोई वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो बेल आइकन पे प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को. प्लस ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें, वो उससे मुझे भी मोटिवेशन आएगा. इज दैट क्लियर? और एक और बात जो आपको बताना भूल गया, जीएस टू का फुल नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं. जीएस टू और इनफैक्ट जीएस वन से लेकर जीएस फोर तक के सारे नोट्स अवेलेबल हैं. तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. नाउ थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. 10 विदानियां, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.